देते रहिए UBN0@। तराना से अर्पित बोड़ाना की रिपोर्ट। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने काली पट्टी बांधकर पिलाई बच्चों को दवा। भाजपा सरकार के खिलाफ जताया विरोध। तराना, एक ओर जहां प्रदेश की भाजपा सरकार के मुखिया शिवराज सिंह चौहान हर विभाग के कर्मचारियों से नित नए वादे करते थक नहीं रहे, शायद शिवराज मामा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भूल गए। सरकार जो मानदेय कार्यकर्ताओं को देती है उससे उनका गुजर बसर होना असंभव है। उसी के विरोध में स्वरूप आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने छोटे छोटे बच्चों के भविष्य को देखते हुए अपने कर्तव्य का निर्वाह कर पल्स पोलियो की दवा पिलाई। अगर एक महीने में अगर आपकी मांग नहीं हुई तो आप आंदोलन करेंगे, आंगनबाड़ी बंद कर देंगे। मैडम, देखा जाता है कि कहीं भी अगर कुछ सभाएं रहती हैं या कुछ भी कार्यक्रम रहता है, शासकीय कार्यक्रम रहता है, तो आपके द्वारा भीड़ एकत्रित कर ली जाती है और उसके बाद में आपको कुछ उसका फल नहीं मिलता है। बोलिए, अभियान के तहत आप ये जो दवा पिला रहे हैं बच्चों को, लेकिन आप कहीं ना कहीं ये विरोध भी प्रदर्शन कर रहे हैं काली पट्टी बांधकर, किस तरीके का विरोध है ये आपका? ये हमारा आंदोलन के तरफ है, जैसे कि हमारी कार्यकर्ता बहनें जो वहाँ पर टावर पे बैठी है या विरोध प्रकट कर रही है कि हम दवाई नहीं पिलाई है। जब आशा कार्यकर्ता उन्होंने जो स्वास्थ्य विभाग के जो NM वगैरह हैं वो कोई भी अगर दवा नहीं पिलाए तो हमको दवा पिलाने के लिए मजबूर क्यों किया जा रहा है? हमारा विरोध इसी लिए है और क्या हम इस काली पट्टी के जरिए विरोध प्रकट कर रहे हैं। मांगे क्या क्या है आपकी इस विरोध के तहत, मांग क्या क्या है आपकी सरकार से? हमारी मांगे ये है सरकार की ओर क्या हमसे जितना काम लिया जा रहा है उसके लिए हमको मानदेय कम दिया जा रहा है और हम सरकार से ये अनुरोध करते हैं कि हमको सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए और हमको जो सरकारी कर्मचारी जो रहते हैं और उनको जो सुविधाएं मिलती है जैसे कि MI वगैरह जो भी करता है वो हमको दिया जाए। समय रहते अगर आपकी मांगे नहीं मानी गई तो आप ये उग्र आंदोलन करेंगे या प्रदर्शन करेंगे? इसमें हमारा आंदोलन हमेशा जारी रहेगा और हम विरोध से मतलब जो नेता है और जो हमारा मुख्यमंत्री जी है उनसे हमारा यही विरोध है कि जो दूसरे कर्मचारी को जो दिया जाता है मानदेय वगैरह वो हमें भी मिलना चाहिए। आपका शुभ नाम? हम दूसरे जो है कर्मचारी उनसे अधिक काम लेगा और हम हर विभाग का काम करते हैं। हम ऐसा नहीं कि हम किसी भी तरह का हो, हर विभाग हमसे काम लेता है और हम काम करते हैं, लेकिन हमको इस हिसाब से वेतन दिया जाना चाहिए। कहीं ना कहीं देखा जाता है कि मुख्यमंत्री की सभा हो या अन्य किसी मंत्री की सभा हो तो आप लोगों के द्वारा भीड़ एकत्रित कर ली जाती है, लेकिन आपकी मांगे समय पर नहीं मांगी जाती, हमेशा आपका विरोध प्रदर्शन होता रहता है। इसी बात का विरोध प्रदर्शन है, सरकार हमें ही आगे करती है, वो कहीं हो किसी भी जगह हो कि महिलाओं को इकट्ठा करना है, महिलाओं को बुलाना है, सिर्फ हम भीड़ इकट्ठी करने के लिए रह गए। सरकार हमारे मतलब बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही पोलियो को लेकर, आज जो दवाई पिलाई जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग ये काली पट्टी बांधकर जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं ये किस विषय को लेकर कर रहे हैं? जी, हमारा विषय है कि सरकार द्वारा मांगे ना मानने का। जी, हमने बच्चों का भविष्य नहीं बिगाड़ना चाहते हैं, हम बच्चों को भविष्य खराब नहीं करना चाहते, इसलिए हमने काली पट्टी बांध के बच्चों को दवा पिलाई और विरोध प्रदर्शन सरकार के खिलाफ कर रहे हैं। नहीं तो क्या मांगे हैं आपकी जिसको लेकर विरोध? मांगे ये कि हमको कम न्यूनतम वेतन 18,000 दिया जाए जी और हमारी सरकारी कर्मचारी में घोषित किया जाए, सरकारी कर्मचारी हमें घोषित किया। बच्चों के भविष्य के खातिर ये जो है योजना है ये तो आपने काम कर लिया, अन्य अगर आपकी बातें नहीं मानी गई तो आप इसका विरोध प्रदर्शन कहाँ जाके करेंगे? विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा और आज हमने बच्चों की खातिर करा लेकिन आगे हम भविष्य में ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अच्छा अच्छा, निरंतर ये आपका प्रदर्शन जारी रहेगा, मांगे नहीं मानी तो आपने? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी निरंतर हम ये प्रदर्शन करते रहेंगे, सरकार को जगाएंगे हम कि जागो, हमारे हित में तो कुछ करिए।